था प्रीवियस क्लास में, है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक सर्किट और के मैप, ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारी चीज मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, है ना। आज मैं लॉजिकल सर्किट में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिकोडर, व्हाट इज इनकोडर, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। और जो आज इवनिंग में क्लास होगा उसमें असेंबली के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है, असेंबली के मैनेमैनिक कोड के बारे में, ठीक है। तो मैं अभी शुरू करता हूं आपका। स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है? यस सर। आप बात कीजिएगा जी। मैं क्या देख रही हूँ मैं? कौन सा? खाना शुरू करता है। चलो हटो यहाँ से। देखिए ये डिकोडर आप लोगों को नजर आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो ये डिकोडर्स यहाँ पे है। डिकोडर्स कहता है कि एक कोडेड इंफॉर्मेशन होता है ना। डिकोडर कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म, मतलब कि डिकोडर जो होता है एक टाइप के इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप कहता है कि डिकोडर जो होता है एन इनपुट्स होता है, एन इनपुट्स होता है और इसमें एक सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन लाइन होता है, सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन लाइन होता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर इसका आउटपुट निकालना है डिकोडर का, ये बातों को ध्यान से रखना, जितने भी इनपुट का तुमको आउटपुट निकालना है उस पे वो पावर में होगा। जैसे 3 का निकालना है तो 2 पावर 3, 4 का निकालना है तो 2 पावर 4, अगर 5 का निकालना है तो 2 पावर 5। समझ रहे बातों को? यस नो बोल दो। यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 मतलब कि 8 बीट का ये जो है ये आपका डिकोडर है। कितने का है? 8 बीट का है। 2 का पावर 3 = 8। तो यहाँ ज्यादा ज्वाइन करते हैं इसे। क्या बोल रहे हैं बाबू, हिंदी में जैसा बोलना है? सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडमिट होने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कर लेता हूँ। हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि जो इसका ये एक सिंपल सा डायग्राम है, इसको तो हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इनपुट 3 है, आउटपुट वो 0 से 7 तक है ना। आउटपुट यानी कि 8 हो गया, 8 आउटपुट लाइंस है और इनेबल के लिए ई है। तो इनेबल्स तो है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो लॉजिक डायग्राम है ऊपर में, उस लॉजिक डायग्राम के लिए जो ट्रूथ टेबल होगा, लॉजिक डायग्राम के लिए जो ट्रूथ टेबल होगा वो कैसे वर्क करता है, ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो ट्रूथ टेबल के लिए यहां पर ये देखिए, ये ट्रूथ टेबल आप लोगों को क्लियर है? यस सर।
सभी को सर दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि इनपुट है और एक साइड में आउटपुट है, इनपुट एंड आउटपुट। थ्री इनपुट है और एट आउटपुट है, मतलब टू का पावर थ्री यानी कि एट होगा। अगर टू का पावर फोर होता है तो ये 16 होता है। तो इसका जो इनपुट है थ्री है तो इसका आउटपुट जो है वो एट है। इनपुट जो लिया थ्री बीट का लिया तो देखो यहां पर जीरो से स्टार्ट होगा और सेवन तक होगा, है ना। इसमें जैसे जीरो के लिए जीरो 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 होता है, वन के लिए जीरो जीरो वन होता है, टू के लिए जीरो वन जीरो होता है, थ्री के लिए जीरो वन वन होता है, फोर के लिए वन जीरो जीरो है, फाइव के लिए वन जीरो वन है, सिक्स के लिए वन वन जीरो है और सेवन के लिए ट्रिपल वन होता है। इनपुट कैसे है ये आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। अब ये कह रहा है कि आउटपुट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट जीरो लिखा हुआ है, यहाँ आउटपुट वन लिखा हुआ है, यहाँ आउटपुट टू लिखा हुआ है, उसके बाद आउटपुट थ्री लिखा हुआ है, उसके बाद आउटपुट फोर लिखा हुआ है, उसके बाद आउटपुट फाइव लिखा हुआ है, आउटपुट सिक्स लिखा है, आउटपुट सेवन लिखा है। ठीक है, ऊपर में देख रहे हो आप लोग आउटपुट? यस सर। अब ये जो आउटपुट लिखा हुआ है तो ये जहां जीरो के पोजीशंस पे है, ये जैसे जीरो हुआ ट्रिपल जीरो है ना, तो यहाँ पर जीरो के लिए जीरो के पास अगर ये जीरो है तो जीरो के पास वन होगा और बाकी आउटपुट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो का इनपुट है तो यानी कि जीरो आउटपुट होगा और बाकी का आउटपुट जीरो होगा। सेम कंडीशंस है, इनपुट वन है तो आउटपुट वन की जगह वन होगा, बाकी के जगह पे जीरो होगा। ठीक है, उसी तरीके से टू के लिए आउटपुट जीरो है और आउटपुट टू पे वन होगा। सेम कंडीशंस है आउटपुट थ्री पे, सेम कंडीशन है आउटपुट फोर पे, आउटपुट फाइव पे, आउटपुट सिक्स पे और आउटपुट सेवन पे। इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल बनता है। ठीक है, समझ आया सभी को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आप इसका जो लॉजिक डायग्राम है, इसके लॉजिक डायग्राम के लिए आपको थोड़ा इधर आना होगा। ये देखो ये लॉजिक डायग्राम है ना। लॉजिक डायग्राम में पहला जो कंडीशंस है जीरो 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 है ना, ठीक है, ट्रिपल जीरो है, यानी कि तीनों का जो होगा नॉट जो होगा वो जीरो 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 में होगा। ठीक है, जीरो 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 जो होगा ये नॉट के कंडीशंस में होगा, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या कहा था कि थ्री इनपुट लेगा, कितने इनपुट लेगा, थ्री इनपुट लेगा। तो आई जीरो आई वन और आई टू, ये देखिए आई जीरो आई वन और आई टू ये थ्री इनपुट है, आई जीरो है आई वन है और आई टू है, ये तीन इनपुट है। अब कह रहा है कि या तो इसका आउटपुट जीरो में जाएगा या वन में जाएगा, या तो जीरो में जाएगा या वन में जाएगा। अगर जीरो जाना होगा तो वो नॉट के साथ जाएगा, ठीक है, अगर वो वन में जाना है तो बिना नॉट के साथ जाएगा। जीरो में क्या होगा, नॉट से जाएगा और वन में विदाउट नॉट जाएगा। ये सारे कंडीशंस में वही है, जहां नॉट होगा वहां जीरो से जाएगा और जहां वन होगा विदाउट नॉट से जाएगा।
ठीक है? हाँ सर। आप क्या है कि फर्स्ट में हमारा है I0, I1 और I2, उसको इनपुट को दिखा रहा है, जो कि आउटपुट में वो जीरो होता है ना। तो I0 भी जीरो होगा, I1 भी जीरो होगा और I2 भी जीरो होगा, मतलब तीनों जीरो होगा तब आउटपुट का जीरो होगा। तो जीरो के लिए क्या किया है कि जैसे I0 के लिए नॉट लिया, I1 के लिए नॉट लिया और I2 के लिए नॉट लिया। ये तीनों नॉट को यहाँ पर देखिए, ये I0 के नॉट के लिए यहाँ से ये देखिए, ये डॉट का सिंबल जो है वो I0 के नॉट के लिए शो करता है। तो ये I0 हो गया, फिर I1 के लिए क्या करता है, फिर नॉट का सिंबल देता है। तो ये I1 का नॉट का सिंबल हो गया, फिर क्या हो गया I2, देखिए यहाँ I2 का है। तो तीनों नॉट से गुजरता है, यानी कि I0 भी जीरो, I1 भी जीरो और I2 भी जीरो। थ्री नॉट्स यानी कि I0, I1 और I2 000 है, यानी कि आउटपुट जीरो होगा। सेम कंडीशन है 0, 0, 1, यानी कि आउटपुट 1 के लिए जो होगा 0, 0 और 1 होगा। 0 के लिए क्या कह रहा है, I0 जो है नॉट होगा। तो यहां पर देखिए I0 का जो नॉट का सिंबल है यहां से आया है और ये देखिए I0 का नॉट है। सेम है I1 का नॉट है, I1 का यहाँ नॉट है और ये हुआ। अब कह रहा है कि I2 का विदाउट नॉट होगा, तो I2 को देखो ये देखो ये सिंबल, ये इसके नीचे गया और यहां से ये जाकर ये ऊपर जा रहा है, तो ये विदाउट नॉट होगा, है ना। तो जो विदाउट नॉट है वो सिंपल है, तो वहां पर डॉट का सिंबल नहीं है। ये पिक्चर में आप डिकोडर का बनाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा, जहां नॉट का सिंबल है वहां पे हम डॉट को दिखाएंगे, और जहां नॉट का सिंबल नहीं है, जीरो नहीं है, वहां पर देखिए डॉट का सिंबल नहीं है। इससे क्या पता चलेगा कि आपने जो डायग्राम बनाया है लॉजिकल डायग्राम वो सही है। सामने वाला भी समझेगा कि जहां नॉट का सिंबल है वहां डॉट है, और जहां जीरो नहीं है वहां डॉट नहीं है। क्लियर? सर मतलब जीरो जीरो के लिए यानी I0, I1 और I2 में वन आएगा, तो जहां जहां जीरो होगा वो नॉट गेट से पास होगा, और जहां पर वन होंगे वो डायरेक्ट कनेक्शन आ जाएगा गेट में, डायरेक्ट कनेक्शन आएगा, पहला चीज और कंडीशन। और दूसरा जो है ना, ये देखो ये सिंबल दिया हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ डॉट दिया है और यहाँ पे डॉट नहीं दिया है। तो आप डायग्राम बनाते हैं तो क्लियर रहता है कि पता चले सामने वाले को कि कहाँ नॉट सिंबल है और जहां कहाँ विदाउट नॉट है। तो यहाँ पर देखो ये वन के कंडीशन यहाँ पे कुछ है नहीं ना डॉट, तो ये जीरो जीरो और वन। तो मेरे कहने का मतलब नॉट से तो गुजरेगा ही, जहां जीरो है और जहां वन है तो वहां नॉट से नहीं गुजरेगा, लेकिन ये सिंबल को जरूर आप उसको दिखाइएगा। सेम कंडीशन है 0, 1, 0 के लिए, यहाँ देखे 0, 1 पे नहीं किया है, 0 पे, यानी कि जो 0, 0 है वो नॉट से गुजरेगा और 1 जो है वो नॉट से नहीं गुजरेगा। इसी तरीके से ये आपका कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। तो ये 7 तक 1, 0, 0 का थोड़ा बता सकते हैं, ये 1, 0, 0 हाँ इसको थोड़ा बता सकते, ये देखो यहाँ 1, 0, 0 है ना। ये सर देख रहे हैं सर, ये तीन डॉट्स हैं, 1, 2 और 3, तीसरा डॉट्स नहीं है 1, 0, 0 में। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1, 0, 0 का मतलब हो गया, पहले क्या था 0, 0, 1 था, है ना। तो 0, 0, 1 जो था, जैसे ये आपने लिया, तो यहाँ पर 0, 0, 1 का मतलब कि I0 का नॉट, I1 का नॉट, I2 का विदाउट नॉट था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि 1, 0, 0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर I2 का जो है वो विदाउट नॉट है, I0 और I1 का नॉट के साथ आया, ठीक है। अब देखो I0 का जो है, I0 का ये जो है ये नॉट आ रहा है, तो I0 का जो नॉट आ रहा है वो देखो यहाँ पे आपका ये नॉट का सिंबल है, फिर I1 का जो 0 आ रहा है ये देखिए नॉट का सिंबल है, लेकिन I2 का जो आ रहा है
विदाउट नॉट आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये वन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे जो सिंबल दिखाया है ये इसलिए दिखाया है कि इसको यहां से कनेक्ट किया है, वन का यहां से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो वन जीरो जीरो, इसमें तो तीनों को दिखा दिया है ना। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर वो दिखा रहा है जिस जगह पे उसको दिखा देना, लेकिन विदाउट नॉट से जो गुजरेगा उसको यहाँ पर कनेक्शंस करना, और जो नॉट के साथ है उसको यहाँ पे, है ना। ये देख लो ये सिंबल्स को, ठीक है, वन जीरो जीरो। सर कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, प्लीज सब अलाउ कर लीजिए उन्हें। एक है रुक जाओ, एक ये जो है ना यहाँ पे जैसा वन जीरो जीरो का है, तो ये क्लियर हो गया ना कि जीरो जीरो और वन है ना। तो आई जीरो का जो है वन से यहां से लिया है, और आई टू और आई थ्री का ये जो नॉट सिंबल दिया है यहां से लिया है। तो वन आई टू में वन है, और आई जीरो और आई वन में जीरो जीरो है। तो नॉट से आएगा आपका आई टू, तो I जीरो से वन आ रहा है, वन जीरो जीरो, ये देखो ऐसे ही यहाँ देखो, एक मिनट देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो, तो ये वाला सिंबल, ये सिंबल कहाँ से आ रहा है, I वन से आ रहा है, I वन से आ रहा है, I वन नॉट हो रहा है, I टू भी नॉट हो रहा है, I2 भी नॉट हो रहा है, और ये कहां से आ रहा है, I01 आ रहा है, ये I0, हां ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला है। तो I0 से 1 आ रहा है, और I1 और I2 से 00 आ रहा है, ठीक है। सेम कंडीशंस यहां पर देखो, I0 से नॉट आ रहा है, I1 से नॉट आ रहा है, और I2 से 00, अगर 00 होगा नॉट से पास करेंगे, और 1 जो होगा तो वो नॉट से नहीं पास होगा, वो मतलब कि विदाउट नॉट होगा, और जीरो जीरो जो होगा वो नॉट से होगा, ठीक है। उसको कुछ सिंबल दिखा देना कि जो नॉट से पार हो रहा है उसको भी दिखाना है, और जो जीरो से पास हो रहा है उसको अलग दिखाना है, है ना, समझ आया। तो ये कैसे डायग्राम बन रहा है ये तो आपको क्लियर है। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है, डिकोडर आता है, डिकोडर 100% आता है हर एग्जाम में, मान के चलो 100% नहीं कहेंगे, 90% कहेंगे, 10% में भी नहीं आता है, लेकिन ये डिकोडर या मल्टीप्लेक्सर या इनकोडर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है ना। Okay. आपको इसी तरीके से लॉजिकल डायग्राम दिखाना है, अगर मान लो कि शॉर्ट आंसर है तो ब्लॉक डायग्राम चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको लॉजिकल डायग्राम और ट्रूथ टेबल दोनों बनाना जरूरी है, समझ आया। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये सारे चीज जो है ये एंड गेट से पास होते हैं, किस गेट से पास होते हैं, एंड गेट से, मतलब कि I0, I1 और I2 जो है उसका जो इनपुट होगा वो एंड गेट से पास होगा, किस गेट से होगा, एंड गेट से, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जो डायग्राम्स हैं ये एंड गेट से ही होते हैं, है ना, क्लियर। हाँ सर। तो ये है आपका डिकोडर, उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर ये है मल्टीप्लेक्सर्स में कह रहा है, मल्टीप्लेक्सर्स जो होता है
मल्टीप्लेक्सस इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स। अभी थोड़ा क्लास ले रहे फिर कॉल करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सस जो होता है बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होता है कंप्यूटर सिस्टम्स का। इसमें क्या होता है कि शेयरिंग करता है एक कॉमन लाइन को और मोर देन वन इनपुट्स होता है, मतलब एक इनपुट से ज्यादा होता है और आउटपुट जो होगा वो एक होगा, सिंगल आउटपुट होगा। इनपुट्स लाइंस जो होगा मोर देन वन होगा और आउटपुट जो होगा एक होगा, वन आउटपुट जो होगा एक होगा। अब ये कह रहा है कि अगर इनपुट लाइंस मान लो कि बहुत सारे हैं तो उसको सिलेक्शंस के अनुसार ही करोगे ना, तब तो उसका आउटपुट होगा। विदाउट सिलेक्शन तो वो एक साथ सबको तो नहीं करेगा, मतलब कि वन टाइम्स में एक इनपुट को लेगा, फिर दूसरे टाइम में दूसरे को लेगा, तीसरे में तीसरे को लेगा, चौथे में, ठीक है, समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर इंटू वन इनपुट्स, तो फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर्स, ये क्या है आपका जो ब्लॉक में दिया हुआ है वो है फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर्स। फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर्स में जो इसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, देखो ब्लॉक डायग्राम में दिया है इनपुट जीरो, इनपुट वन, इनपुट टू एंड इनपुट थ्री, यानी कि ये फोर इनपुट्स है। और इसके देखो इसके अपोजिट साइड में आउटपुट में ओ लिखा हुआ, ओ का मतलब आउटपुट वन है। अब कह रहा है कि इसका जो सिलेक्शंस है वो टू दिया है। सिलेक्शंस क्या है, एस जीरो और एस वन या एस वन या एस एन, है ना। तो यहाँ पर दो सिलेक्शंस लाइन है, यहाँ पर देखो एस जीरो और एस वन। इस सिलेक्शंस पे आपका काम करता है, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर जो है इस सिलेक्शंस पे काम करता है, एस जीरो और एस वन पे। अब कह रहा है कि सिलेक्शंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा इनपुट का आउटपुट शो करेगा, किस इनपुट का किस कौन सा आउटपुट शो करेगा। अब यहां पर देखो सिलेक्शंस इसका ट्रूथ टेबल में दिया है सिलेक्शन जीरो और सिलेक्शन वन, सिलेक्शन जीरो एंड सिलेक्शन वन। अब जीरो और जीरो के कंडीशंस में जो आउटपुट होगा वो किसका होगा, इनपुट जीरो का होगा। किसका आउटपुट होगा, इनपुट जो फर्स्ट इनपुट है उसका वो आउटपुट होगा। सेम कंडीशंस है अगर जीरो वन, यानी कि वन के कंडीशन में किसका इनपुट का आउटपुट होगा, इनपुट वन का होगा। इसी तरह टू के लिए इनपुट टू का आउटपुट होगा और थ्री के लिए इनपुट थ्री का आउटपुट होगा। ये है ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। समझ आया सभी को? हाँ सर। आप कह रहा है इसका लॉजिक डायग्राम कैसे होगा, तो मतलब इसके लॉजिक डायग्राम में क्या हो जाएगा, सेम होगा जैसे ये ट्रुथ टेबल है उसी पे ये लॉजिक डायग्राम होगा, है ना। ऊपर में आपका ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है और नीचे में आपका लॉजिक डायग्राम है ना। अब कह रहे हैं मैंने कहा कि सिलेक्शंस के अनुसार ही वो उसका आउटपुट होता है। अब सिलेक्शंस के अनुसार क्या है कि अगर जीरो जीरो का कंडीशंस है तो यहां पर देख रहे हो एस जीरो और एस वन दिया हुआ है, नीचे में सिलेक्शंस आ रहा है सभी को नजर? यस सर। तो एस जीरो और एस वन में अगर जीरो जीरो है तभी इनपुट वन इनपुट जीरो को सेलेक्ट करेगा। किसको सेलेक्ट करेगा, इनपुट जीरो को। तो इनपुट जीरो तो पहला हो गया, लेकिन इसका जो सिलेक्शंस लाइन है यहां पर देखो एस जीरो और एस वन दोनों का नॉट नॉट गया और इस तरीके से ये पहले इनपुट जीरो को सेलेक्ट किया। समझ रहे बातों को? मतलब सर जैसे हम लोगों का डिकोडर में कौन सा, यानी वहां नॉट डिकोडर इज अदर थिंग, मल्टीप्लेक्सर इज अदर थिंग, दोनों को उससे एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। नहीं सर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे वहां पर भी हम लोग जीरो जीरो को वो डॉट से नॉट दिखा रहे थे तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन से एस जीरो और एस वन
हाँ नहीं नहीं यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर जो मैं वहां पर बता रहा था डॉट का यहाँ पर लॉजिक अलग, उसमें भी अलग था। डॉट का मतलब कि कनेक्शंस दिखा रहा था, जीरो और वन से नहीं मतलब था, उसमें भी दिखाया था, वन का बैक में था। ठीक है, तो वहां पर मैंने जो बताया वो ये चीज आपका ये है कि ये ध्यान रखो कि नॉट वाला और विदाउट नॉट वाला, और कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो एस जीरो के लिए यहाँ पर जीरो का ले गए ये देखो, और एस वन का भी नॉट से ले गए, तो यहाँ पर जो है डॉट डॉट का कनेक्शन लिया है ना, और यहाँ पर आई जीरो का लिया, इन तीनों का हो गया देखो, जीरो जीरो आई जीरो, समझ आया? इन तीनों को एंड गेट से ले जाते हैं। उसी तरीके से आई वन का क्या है, जीरो और वन, मतलब आई वन तो सेम लिखेंगे इनपुट वन, और जीरो और वन, जीरो वन के लिए क्या करेंगे सेलेक्शन का, देखो ये जीरो से गया और एक जो जाएगा वो विदाउट जीरो से जाएगा, ये देखो यहां से वन, ठीक है, यहां से ये देखो, ये है ना ये लास्ट लाइन, ये वन हो गया, मतलब ये नॉट से नहीं गुजरा, देख रहे हो? हाँ सर, उसी तरीके से नेक्स्ट हो गया वन जीरो, वन और जीरो, तो वन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो आई टू हो गया, आई टू के बाद क्या हो जाएगा वन जीरो, मतलब एस जीरो का ये देखो विदाउट नॉट गुजरेगा है ना, विदाउट नॉट तो गुजरा, और इसका जो है एस वन का जीरो से गुजरा, सेम कंडीशन है इन दोनों में, जीरो आई थ्री और वन वन, तो यहाँ पर क्या है ये भी विदाउट नॉट से जा रहा है और ये भी विदाउट नॉट से जा रहा है, और इन सभी को एंड गेट को क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लीकेशन टेबल को एंड गेट से ऐड करते हैं, तो एंड गेट से देखो ये एंड गेट है, ये सारे को ऐड किया और ये आपका आउटपुट हुआ, इसी चीज को हम एंड मल्टीप्लेक्सर गेट व्हाट एंड गेट का, ये एंड गेट है और ये और गेट है, इट नैंड एंड एंड नैंड कहाँ है बाबू, नैंड होगा ना तो इसके आगे नॉट लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके आगे गोल जैसा लगेगा है ना, तो अगर ये गोल नहीं है तो नॉट इसमें ऐड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी और गेट है, अगर यहाँ पर ये इस तरह का एक सर्कल बना रहता तब ये नैंड गेट होगा या नॉर गेट होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर नैंड गेट और नॉर गेट रहेगा तो उस गेट के आगे में छोटा सा सर्कल बना रहेगा, है ना, ये समझ आ गया आप लोगों को कैसे बन रहा है हाँ सर, सर डिकोडर बोल रहे और थे कि नैंड गेट से एंड गेट वन अगर पास होगा तो जीरो पास हो रहा है तो उसे जीरो पास हो जाएगा ना एंड गेट। हाँ, जैसे अगर मान लो कि तीन जीरो है ना, तो जीरो ही पास होगा, अगर एक तीन जीरो और, होगा, एक जीरो होगा, वो तो जीरो होगा हाँ वो एंड भी गेट। जीरो होगा, अगर लेकिन अगर तीनों वन होता है तब वन होता हाँ वन वन है ना, क्योंकि हाँ जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा ना, ठीक है ना, तो वो चीज होगा, लेकिन एंड गेट के कंडीशंस में अलग हो जाएगा, अगर जीरो वन और वन है तो वन ही पास होगा ना और गेट में, ठीक है, क्योंकि वहां पर इसमें तो, हाँ बोलिए, एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ता है। नहीं, लिखने की अगर तुम लिखना भी चाहती हो तो यहाँ पे लिख सकती हो, जैसे यहाँ पर है ना आई जीरो एस जीरो, एस जीरो के ऊपर ना एक नॉट का सिंबल दिखाना है ना, तो उसपे एक हाइपन दे देना एस जीरो पे, और जो वही कह रहा हाँ हाँ तो नारा ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है सभी को, मल्टीप्लेक्सर्स आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते इसमें से हैं, इसमें से कोई एक ठो आएगा क्या डिकोडर मल्टीप्लेक्सर, इसमें से कोई एक ठो आएगा। देखो अब तो ये कह नहीं सके कितने आएंगे, लेकिन आते हैं है ना, मे भी अगर आपका भाग्य अच्छा है, किस्मत अच्छा है, तो दोनों तीनों आ जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करता है, इग्नू जो है ना उसी क्वेश्चंस को ऐसे तुमको दिखाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाइए आखिर ये है क्या, है ना, तो आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, कि अगर मान लो कि इनकोडर ही कह रहा है या डिकोडर ही कह रहा है, तो वहां पर अगर मान लिया कि 2 पर 3 कह दिया, 2 पर 2 कह दिया, 2 पर 4 कह दिया, ठीक है,
तो आप उसको घबराइएगा नहीं, उसी के अनुसार उसको डिफाइन कीजिएगा। ये नहीं है कि 2/3 ही आएगा, है ना, या मल्टीप्लेक्सर्स आ रहा है तो किसी भी टाइप से क्वेश्चंस आप क्या कीजिएगा, 5 इयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा दिनों का नहीं, प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन को आप उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। कितने दिनों का? 10 सेम ना, हाँ 10 सेम। अगर आपको पॉसिबल नहीं तो 3 इयर्स का ही कीजिए, है ना, जून और दिसंबर बोथ, बोथ 3 इयर्स का भी करोगे तो तुमको मेरे ख्याल से 70% आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आ जाएगा, 70-80%। अब ब्लॉक पढ़ लिए तो 100% आपका उसका रिजल्ट होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं, 100% उसमें रिजल्ट होगा, ठीक है। सर बोल रहे थे कौन सा ब्लॉक थोड़ा फोकस करने वाला है, थोड़ा एक बार बता दीजिएगा ना। फर्स्ट ब्लॉक 100% पढ़ गई है पूरा, ठीक है, और सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक जो है असेंबली लैंग्वेज का है। तो असेंबली लैंग्वेज का जो है उसमें क्या है कि मैनेमोनिक कोड्स होते हैं। मैनेमोनिक कोड्स का मतलब कि मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को क्लास में कि कंप्यूटर्स में जो है मशीन कोड के बाद ही मैनेमोनिक कोड्स आए थे, ठीक है, मशीन कोड के बाद असेंबली का लैंग्वेज का, क्योंकि हम जो करते थे कंप्यूटर्स में वो हमारे समझ से बाहर का था चीज था, क्योंकि जो मशीन कोड में हम लोग पढ़ते थे वो केवल बाइनरी कोड्स बनता था। तो कोई भी आदमी अगर आपको कोई काम आसान लगेगा तो वो काम करना आप बहुत जल्दी करिएगा, लेकिन जहां टिपिकल रहेगा तो वो आप इंटरेस्ट कम लीजिएगा। सेम थिंग था कि कंप्यूटर में जब मशीन कोड रहता था तो लोगों को दिक्कत होती थी, है ना, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारा जो कॉमन लैंग्वेज था, क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेज तो हम इंडियन है तो हमारे लिए तो हिंदी है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर कॉमन लैंग्वेज देखिएगा तो इंग्लिश है, क्या है कि लगभग सारे देशों में इंग्लिश की इस लोग बोलते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज अगर वर्ल्ड लेवल पर कहेंगे तो हम इंग्लिश ही कहेंगे, है ना। तो इंग्लिश और खास करके वहां जो डेवलप किए करने वाले थे तो अंग्रेज थे या बाहर के लोग थे, फॉरनर थे, तो वो इंग्लिश को ज्यादा समझते, तो उन्होंने मैनेमोनिक कोड जो बनाया वो उन्होंने इंग्लिश में ही बनाया, ठीक है। अच्छा, अब वो मैनेमोनिक कोड के लिए उन्होंने या तो आपको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया, या उसके लिए उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जिसमें उसको स्टोर करता था, और वो स्टोर होकर वो आपका बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो बाइनरी कोड में जब कन्वर्ट होता था, मशीन कोड में जो कन्वर्ट होता था, उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज हुआ, ठीक है, और ट्रांसलेटर जो था वो आपका असेंबलर था, क्या था, असेंबलर, असेंबलर जो ट्रांसलेटर था वो आपके जो मैनेमोनिक कोड्स को असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था मशीन कोड में, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन को असेंबली लैंग्वेज का हुआ, लेकिन इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, है ना, लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि पहले मशीन कोड आया, उसके बाद जो आया वो असेंबली लैंग्वेज आया, जो आपको काम करना रहता था। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो हुआ या फोर्थ जनरेशन का जो लैंग्वेज हुआ वो काफी फास्ट होते हैं, है ना। हाँ, हाँ सर, अगर मान लो कि हमको ऐड करना है तो सी में क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लिए, थर्ड वेरिएबल में उसको स्टोर करा दिया, रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो उसमें रजिस्टर के द्वारा ही वो काम होगा। जैसे मान लो कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, फिर वो रजिस्टर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके में 3-4 रजिस्टर्स होते हैं, तो उसके द्वारा वो प्रोग्राम्स आपका काम करता है। जब काम होता है उसके बाद इसमें जो होता है डेटाबेस अलग हो जाता है, जैसे डेटा टाइप DB हो जाता है, बाइट का हो जाता है, DW हो जाता है, वर्ड के लिए होता है, कैरेक्टर्स के लिए अलग होता है। दूसरा उसमें स्टैक का ही भी यूज होता है, पुश एंड पॉप का, है ना। और जो मूवमेंट होता है वो रजिस्टर के अनुसार ही होता है। अगर AX, BX, CX, DX आप लोग देखे होंगे उस प्रोग्राम में, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा है, खुला है कभी, क्वेश्चन देखे हैं सर, देखे हो ना। तो उसमें क्या है कि जैसे AX हो गया, BX हो गया,
एक्स हो गया है ना, डीएक्स हो गया। तो एक्स जो रजिस्टर्स हुआ उसका मतलब ही हो गया एक्युमुलेटर, एक्युमुलेट करना, किसी भी चीज को एक्युमुलेट करने के लिए ए एक्स का यूज करते हैं। अब कह रहे हैं कि ए एक्स को भी जो एक्युमुलेट करते हैं उसको भी टू पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, है ना, जैसे ए एच और ए एल। अब ए एच और ए एल जो होता है उसको एक को हाई कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, लो कहते हैं। सेम बी एक्स होता है, बी एक्स का मतलब होता है बेस, है ना, तो बी एक्स का भी बी एच और बी एच बी एल होगा। सी एक्स काउंटर हो गया, सी एक्स काउंटर रजिस्टर में आ गया सी एच और सी एल, उसी तरह डी एक्स हो गया, है ना। तो ये सारे चीज जो होते हैं वो रजिस्टर के अनुसार उसमें हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। अब जैसे हाई लेवल में क्या होता है, वेरिएबल्स के अनुसार हम कर लेते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम रजिस्टर्स के द्वारा ही उस प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, तो इसीलिए उसको हमको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब रजिस्टर क्यों होता है, बोले शाम को ही हम लोग पढ़ेंगे ना सर। हाँ शाम में आज बता दूंगा तुम लोग, है ना, इसको है ना, ये जो 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 मेन मेन पार्ट्स था रजिस्टर्स का, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया कि ये देखो सारे चीज जो है ना, फर्स्ट ब्लॉक पढ़ लोगे, सेकेंड ब्लॉक में आपका थ्योरी पार्ट्स है, वो स्टडी करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप लोग खोले ब्लॉक, देखे हो आप लोग, फ्लिप फ्लॉप बताएंगे, फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनकोडर को हम, इनकोडर आप लोगों को समझ आ गया है सर, इनकोडर थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप डायरेक्ट समझ, फ्लिप फ्लॉप भी जैसे ये है सेम तरीके से है, है ना। इनकोडर्स में भी क्या कह रहा है कि 2 पर पावर n इनपुट, 2 पर पावर n इनपुट और n आउटपुट लाइन, मतलब कि मान लो कि 2 पर पावर 3 मतलब 8 इनपुट होगा तो उसका आउटपुट n होगा, मतलब 2 का पावर 3 मतलब 8 इनपुट और n आउटपुट मतलब 3 आउटपुट, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि 8 × 3 इनकोडर जो होगा इसमें 8-bit इंफॉर्मेशन होता है और जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो 3-bit का करेगा। ये देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ये 8-bit का है आपका इनपुट और इसका आउटपुट जो है 3-bit का है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये है आपका ट्रुथ टेबल, क्या दिखा रहा है, i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7, मतलब कि अगर i0 पे 1 है बाकी पे 0 है, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा वो 0 0 0 होगा। उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है, डी फॉर 0, है ना। फिर वहां पर देखो d1 है तो कहाँ है आउटपुट, 1 पे, बाकी 0 है और 0 0 1। फिर क्या है 0 0 1 0 0 d2 के लिए है। तो ये आपका मेन ब्लॉक डायग्राम में इनकोडर में ये ध्यान रखिएगा कि 1 इनपुट के लिए 8 इनपुट होता है और आउटपुट जो होगा, समझ रहे बातों को, ये चीज समझ आया कि नहीं। नहीं सर, वो मतलब आउटपुट कौन से वाले में कौन सा हो रहा है ये समझ नहीं आया। ये देखो यहाँ पर देखो, ये इनपुट समझ आ गया, इनपुट में 0 है, इनपुट 0 में 1 है, बाकी में 0 होगा जैसे डिकोडर में करते थे, ये तो समझ आ गया। हाँ। उसके बाद ये d0 हो गया क्योंकि इनपुट 0 यहाँ पर d0 से डिनोट किया और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, समझ आया। क्योंकि 0 के कंडीशन में था तीनों आउटपुट उसका 0 होगा, अगर 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 होगा। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। ये तो क्लियर है, समझ आया यहाँ तक। अब ये ध्यान रखना है, अब यहाँ पर जो आपका जो डायग्राम के लिए जो इनपुट लिया है, देखो आउटपुट 0 में कहाँ कहाँ 1 है ये ध्यान रखो, तो
आउटपुट जीरो में वन क्या है, वन के पोजीशन पे है, थ्री के पोजीशन पे है, फाइव के पोजीशन पे है और सेवन के पोजीशन पे। आउटपुट जीरो में वन थ्री फाइव और सेवन है, वन थ्री फाइव सेवन है ना। तो देखो आउटपुट जीरो के लिए यहाँ पर क्या किया है, वन थ्री फाइव सेवन, समझ आ रहा है कहाँ से आया? हाँ सर। उसी तरीके से आउटपुट वन का है, देखो आई टू आई थ्री आई सिक्स और आई सेवन, आई टू आई थ्री आई सिक्स आई सेवन, देखो आई टू आई थ्री आई सिक्स और आई सेवन, सेम क्या हो जाएगा यहाँ पर आई फोर आई फाइव आई सिक्स और आई सेवन, यही चीज यहाँ पे एनकोडर में ये नीचे बताया है, देख रहे हो? ये क्लियर हो गया? अब ये कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हम ड्रा करेंगे या के मैप से बनाएंगे, तो ये के मैप के द्वारा भी बना हो या इसमें ये जो यूज होगा वो कौन सा गेट यूज होगा? और गेट का, ठीक है? कौन सा गेट का यूज होगा? और गेट का। इस तरीके से पीएलए भी है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे है। हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं अभी, फ्लिप फ्लॉप बता दे रहे हैं ना, एक चीज और, इसको सॉल्व करना, इसको स्टडी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, लेकिन इसको आपको स्टडी करना जरूरी है। एक मिनट मैं और उसको करता हूँ। शायद यूनिट फोर में है, यूनिट फोर में है, ब्लॉक वन ब्लॉक टू हो गया ना, फिर से ब्लॉक वन पे यूनिट फोर। देखो ये लॉजिक सर्किट सेकेंड है, इसमें आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है ना। अब यहाँ पर ये देखो सिक्वेंशियल सर्किट, यहाँ पर कह रहा है कि सिक्वेंशियल सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इन बातों को ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट का इंटरकनेक्शन जो होता है वो
सिक्वेंशियल सर्किट होता है या स्टोरेज एलिमेंट का। स्टोरेज एलिमेंट जो होता है, जो एलिमेंट्स को स्टोर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो फ्लिप फ्लॉप के द्वारा होता है, है ना। किसके द्वारा होता है, फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। तो फ्लिप फ्लॉप जो है ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज कर रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो स्टेट के अनुसार, प्रेजेंट स्टेट के अनुसार वो काम करता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, किसके द्वारा कौन सेट है कौन रीसेट है, तो ये फ्लिप फ्लॉप काम करता है। अब कह रहा है कि सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है, अनलाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है ना। अब टाइम डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा, तो ये टाइम पे है कि किसको वो ऑब्जर्व करेगा, किस स्टेट को और किसको नहीं करेगा। ठीक है, अब एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस सर्किट में जो होता है फ्लिप फ्लॉप भी यूज होता है और उसके स्टेटस भी होते हैं, है ना। फ्लिप फ्लॉप का भी यूज करते हैं सिंक्रोनस सर्किट में, फ्लिप फ्लॉप का और उसके स्टेटस को भी। वो क्या होता है, डिस्क्रीट इंटरवल्स में वो चेंज होता है, डिस्क्रीट इंटरवल में चेंज होता है। अगर एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ फीडबैक पाथ होता है, फीडबैक पाथ का यूज करते हैं, है ना। मतलब कि इसमें जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट का और आउटपुट का कॉम्बिनेशन के अनुसार वो एसिंक्रोनस सर्किट कहते हैं। इसको एसिंक्रोनस सर्किट को ड्रा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिंक्रोनस को ड्रा करना इजी होता है। तीसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्लॉक पल्स के अनुसार होता है। क्लॉक पल्स मतलब कि उसका टू स्टेट होता है, समझ गए। ये तीनों चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लॉक पल्स कैन हैव टू स्टेट्स, पहला जीरो और दूसरा होता है वन, या तो जीरो होगा या वन होगा। जीरो के कंडीशंस में डिसेबल होता है और वन के कंडीशंस में एक्टिव होता है। जीरो के कंडीशंस में क्या होगा, डिसेबल होगा और वन के कंडीशंस में एक्टिव होगा। स्टोरेज एलिमेंट्स जो होता है चेंज होता है उसके स्टेट के अनुसार। क्लॉक पल्स का जो स्टेट होता है उसी के अनुसार उसका स्टोरेज एलिमेंट्स जो होता है चेंज होता है। सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो क्लॉक पल्स का यूज करता है, है ना, उसी लिए हम उसको क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट भी कहते हैं। समझ आया सभी को। अब आता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ही है स्टोर द इंफॉर्मेशन, स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो ये हम इसको कह सकते हैं, कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, तो कह सकते हो फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी सेल, एक बाइनरी सेल है जिसको क्या हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, विच स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फ्लिप फ्लॉप में कितने कितने बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो उसमें वन बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। आप कहेंगे कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, कैसे स्टोर होता है, तो ये कहो कि ये दिस इज इटसेल्फ ए सिक्वेंशियल सर्किट, ये खुद एक सिक्वेंशियल सर्किट है, इसलिए इसको वन बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप कह रहा है कि अगर इसको चेंज करना हो तो वो कैसे होगा, मान लो वन का जीरो, जीरो का वन, तो ये कह रहा है कि ये जो क्लॉक पल्स के द्वारा ही ये ट्रांजिशन इसका चेंज होता है, या तो जीरो टू वन होगा या वन टू जीरो होगा। अगर जीरो टू वन होता है तो उसको हम राइजिंग एज कहते हैं, और वन टू जीरो होगा तो उसको हम फॉलिंग एज कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जीरो टू वन हो रहा है क्लॉक ट्रांजिशन में तो उसको राइजिंग एज कहते हैं, और वन टू जीरो होगा तो उसको फॉलिंग एज कहते हैं। अब कह रहा है कि अगर इनको स्टोरेज एलिमेंट्स को हम चेंज करते हैं तो वो किसके द्वारा होता है, तो वो जैसे एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जैसे वन है या जीरो है। अगर वन है तो उसको लैच करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप काम करता है, एक बेसिक
फ्लिप फ्लॉप का आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, ये दिस इज ए बेसिक फ्लिप फ्लॉप है ना, ये फ्लिप फ्लॉप सिंपल बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। अब कह रहा है कि फर्स्ट सी बेसिक लैच है ना। अब ये लैच जो है या फ्लिप फ्लॉप जो है, ये यूजिंग टू नॉट, ये क्या चीज का यूज कर रहा है, टू नॉर गेट का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, नॉर गेट का। अब ये नॉर गेट का यूज कर रहा है तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए है ना। तो नॉर गेट का आर का मतलब क्या होता है, रिसेट, और एस का मतलब क्या होगा, सेट। ये ध्यान रखना, आर जो हुआ रिसेट और एस का सेट हो गया है ना। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है कि लॉजिक डायग्राम इज आर लेट यूजिंग नॉर गेट, यानी कि ये देखो मैंने बताया था ना कि और गेट के अगर सर्कल लगेगा तो उसको हम नॉर गेट कहते हैं। अब कह रहा है कि दो इनपुट रखा है, दो इनपुट क्या लिखा रखा है, एस एंड आर, मतलब कि एक सेट स्टेट है और एक रीसेट स्टेट है। क्या है, एक सेट स्टेट है और एक रीसेट स्टेट है। अब कह रहा है कि अगर आउटपुट इसका होता है, अगर Q1 होता है, बातों को ध्यान दो, आवाज आ रही है, Q अगर 1 होता है तो Q0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे बातों को, Q अगर 1 होता है, सेट और रीसेट क्या होता है, हाँ हमने क्या कहा, सेट और रीसेट दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे है ना। यहाँ पर मैंने क्या कहा, सेट और रीसेट एक स्टेट होता है, एक सेट स्टेट में आता है और एक रीसेट स्टेट में आता है। सेट और रीसेट इज ए टू वेरिएबल्स, वेरिएबल समझते हो, एस जो सेट के लिए होता है, सेट स्टेट के लिए होता है, और आर जो होता है रीसेट स्टेट के लिए होता है। सर ये क्या क्लास पर डिपेंड करता है क्या, हाँ एक दूसरे पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि आउटपुट, हम बोले कि क्या ये क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई भी नहीं, क्लॉक पल्स नहीं है क्लॉक पल्स। ये देखो ना, इसका जो है ना, इसका कंडीशन पहले समझ दो फिर आगे बढ़ जाते हैं, कहीं टाइम कम है इसको। मैं देखो यहाँ पर क्या है, क्यू अगर है इसका तो Q नॉट होगा, एक का Q और एक का Q नॉट, मतलब कि जीरो होगा तो वन हो जाएगा, वन होगा तो जीरो होगा। तो देखो अगर सेट वन आता है, रिसेट जीरो आता है, तो इसका Q में वन आएगा, Q नॉट में जीरो आएगा, सेट स्टेट में कंडीशंस में। अगर जीरो और जीरो है तो इसका Q जो होगा वन होगा, Q नॉट जीरो होगा। अगर यही रिसेट स्टेटस होगा, रिसेट में क्या जीरो और वन के कंडीशन में जीरो वन होगा, जीरो जीरो के कंडीशन में भी 01 होगा। इन दोनों को इस डायग्राम्स के अनुसार आप करोगे तो ये रन होगा। 11 के कंडीशंस में इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, यानी कि 00 होता। इस चीज को ये आपको इनिशियल स्टेट में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो इनिशियल 1 इज अप्लाइड, हाँ सर, रिसेट स्टेट में अगर 10 रहेगा तो, रिसेट स्टेट में अगर 10 भी रहेगा तो, रिसेट में अगर 10 रहेगा तो 10 हो जाएगा। यस सर, ठीक है, ओके। यहाँ नीचे लिखा हुआ, ये देखो, ये सारा चीज जो है समझाया हुआ है, ये देखो इनिशियल में कैसे काम करता है, नॉर गेट से क्या होगा, चेंज क्या होगा, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पूरा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैं क्लॉक पल्स वाले में आ जाता हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा आरएस फ्लिप फ्लॉप, वही चीज है, वो क्या था कि सिंपल फ्लिप फ्लॉप था, और यहाँ पर क्या है, आरएस फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर सेट और रिसेट का ही है, लेकिन उसने पूछा ना कि इसमें क्लॉक पल्स यूज हो रहा है क्या, तो आरएस फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स का यूज हो रहा है। क्लॉक पल्स मैंने अभी बताया, जीरो और वन का कंडीशन के अनुसार ये सेट और रिसेट होता है। यहाँ पर देखो ये क्लॉक पल्स का यूज हो रहा है, देख रहे हो, है ना। और ये वेरिएबल्स क्या है, आर और एस। वहां पर जो यूज हो रहा था, वहां नॉर गेट का यूज हो रहा था,
यहाँ पर एंड गेट का यूज हो रहा है और उसके बाद नॉर गेट का यूज हो रहा है। एंड गेट का क्यों यूज हो रहा है, यहाँ देखो क्लॉक पल्स के अनुसार काम कर रहा है इसलिए एंड गेट का यूज हो रहा है। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। उसके अनुसार जो बेसिक वाला जो यूज कर रहे थे, पहले क्लॉक पल्स के लिए यूज हुआ और फिर ये सिंपल जो आप सेट और रीसेट का यूज किए थे लॉजिक डायग्राम, उसके अनुसार ये काम करता है। समझ आया ये? सर सर हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को?